हेलो बच्चों, लेट्स सेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडर हैज़ द लीस्ट रिस्क फॉर एन अनबॉर्न चाइल्ड। मतलब हमसे ये पूछा है, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसीडर है जिसमें बच्चे को सबसे कम रिस्क होता है, मतलब उसकी जान को सबसे कम रिस्क होता है अगर अपन सैम्पलिंग देते हैं तो। ठीक है, पहला ऑप्शन है एमनियोसिंथेसिस, दूसरा है अल्फा फीटो प्रोटीन सैम्पलिंग, ऑप्शन सी है क्यूरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, ऑप्शन डी है ऑल हैव द सेम रिस्क लेवल। एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एम्नियोसिंथेसिस। देखो इसमें क्या होता है, ऐसे हमारा ये एम्ब्रियो होता है, ठीक। एम्ब्रियो के सराउंडिंग में एक कैविटी होती है जिसे एम्नियोटिक कैविटी कहते हैं, और इस कैविटी के सराउंड में एक और कैविटी होती है, ठीक। तो ये क्या होती है, ये है कोरियोनिक लेयर, ये हमारी एम्नियोन लेयर, ये हमारा क्या एम्ब्रियो, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारा एम्नियोटिक फ्लूइड। ये जो डॉट 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 आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है हमारा एम्नियोटिक फ्लूइड, ठीक। अब देखो ये एमनियोटिक फ्लूड है, अगर मुझे एमनियोसिंथेसिस करना है तो मुझे नीडल कहाँ से कहाँ तक जाननी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक। फिर मैं एमनियोटिक फ्लूड से क्या लूँगा, सैंपल लूँगा एमनियोटिक फ्लूड का, और उसकी मैं स्टडी करूँगा, ठीक। तो ये प्रोसीडर है। अब अगर मैं इसको यहाँ पास से यहाँ तक डाल रहा हूँ तो हो सकता है कि ये लेयर पंचर हो जाए, और पंचर हो गई तो ये इस फ्लूड का क्या हो जाएगा, लॉस। और अगर इस फ्लूड का लॉस हो गया तो बच्चा कैसा, बच्चा मर जाएगा, तो रिस्क तो है साहब, है ना, इसमें बहुत रिस्क है, ठीक। अब दूसरा प्रोसीजर क्या है, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ठीक है। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन में क्या करते हैं, अपन सुपरफिशियल सैंपल ले लेते हैं, तो इस पर लो रिस्क होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। आप ये वाले डायग्राम में देखिए, अब क्या होता है कि बच्चे से कुछ चीज़ें निकली होती है, जैसे कि ये प्लेसेंटा, ठीक। ये जो प्लेसेंटा है ये एम्ब्रियो से कनेक्ट होकर के कहाँ तक जाता है, ये एम्ब्रियो से कनेक्ट होकर के कोरियोन लेयर तक जाता है, ठीक। और यहाँ पास क्या रहता है, यहाँ पास रहती है आपकी कोरियोनिक विलाई, क्या रहती है, ये जो मैंने ऊपर बनाया ये क्या है, कोरियोनिक विलाई। तो कोरियोनिक विलाई किससे अटैच है, कोरियोनिक विलाई अटैच है प्लेसेंटा से। अगर वो डैमेज हुई तो हमारा बेबी में ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ रुक जाएगी, जो भी मदर से जा रहा है, तो इसमें भी कैसे रहता होता है, ये भी होता है हाई रिस्क। तो ए सी होंगे नहीं, तो डी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। थैंक यू।